हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ नीतू में आपका स्वागत है। आज की जो ये मेरी रेसिपी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। वाटरमेलन खाना सभी को पसंद है, पर इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी बीजें होती है। तो चलिए उस समस्या का समाधान करते हैं इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, एक वाटरमेलन को इस तरह से आधा काट लिया है। अब मैं इसे सेट करने के लिए नीचे एक बोल रखूंगी, बोल के ऊपर मैं इसे सेट कर दूंगी। अब एक चम्मच की सहायता से मैं इसके सारे पल्प को निकालूंगी। वैसे ये आपको लगेगा कि ये बहुत भारी काम है, पर जब आप इसे करने लगोगे ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको इस तरह से पल्प निकालने में बहुत ही मज़ा आता है। ये जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसे ही लगेगा कि हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसे करके देखें, सच में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वाटरमेलन के सारे पल्प को इसी तरह मैं निकाल लूंगी। लकीली मेरे इस वाटरमेलन में बीज बहुत कम है। वैसे वाटरमेलन में बीज ही तो सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर आप वाटरमेलन को इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको बीज की तो कोई समस्या होगी ही नहीं। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराएगा जब आप इसे ठंडा ठंडा कूल कूल लेंगे। सारे पल्प को मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी और जो नीचे साइड पल्प बच गए हैं उसे भी मैं अच्छे से निकाल कर मिक्सर जार में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारे पल्प में अच्छे से निकाल कर मिक्सर जार में डालूंगी। उसके बाद मैं इस छिलके को फेंकूंगी नहीं, इस छिलके को मैं जूस सर्व करने में यूज करूंगी। ये हो गए एक पंच दो काज वाली बात। पहला कि इसमें आपका ग्लास गंदा नहीं होगा, दूसरा कि आपके सर्व करने के तरीके को एक अलग ही स्टाइलिश लुक देगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट इसमें पहले थोड़ा ही डालें। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक पेपर के दाने भी डाल सकते, पर वो 2 से 3 दाने ही डालें। जूस बनाने के बाद इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें कि इसमें सॉल्ट सही है या नहीं। अगर नमक इसमें थोड़ा सा कम है तो आप मिक्स कर लें, क्योंकि तरबूज की मिठास पर भी ये डिपेंड करता है कि नमक उसमें कितना लगेगा। अब मैं इस जूस को छन्नी की सहायता से छान लूँगी। इसको छानने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस इस प्रोसेस से आप इसे छानिए, ये बहुत जल्दी छाना जाते हैं। चाहे तो आप इससे डायरेक्टली बिना छाने भी पी सकते हैं, लेकिन इसका जो बीज है ना ये बच्चों को नहीं पसंद आएगा, इसलिए अगर बच्चों को सर्व करना हो तो इस तरह से छान कर दें। और अगर बड़े चाहें तो इसे इस तरह जो थोड़े बहुत पल्प और बीज के टुकड़े हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, ये बीज इसके बहुत फायदेमंद होते हैं। तो बच्चों को देना है तो अच्छे से तो छान कर देना ही पड़ेगा। तो चलिए, जूस तो बहुत अच्छे से छना गया। अब जो भी इसके बचे हुए पार्ट्स हैं ना उसे मैं निकाल कर साइड कर दूंगी। अब दूसरी साइड जो भी थोड़े बहुत पल्प थे उसे भी मैं निकाल कर जूस में डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ढेर सारे आइस, जो कि आपको कूल फील कराएगा, तभी तो ये वाटरमेलन कूलर कहलाएगा। तो दोस्तों, इस वाटरमेलन कूलर की रेसिपी को बनाने के बाद अगर आप रिफ्रेश और कूल फील करते हैं तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इसे बनाकर कूल और फ्रेश फील कर सके। हैव फ्रेश कूल एंड एंजॉय।